अगला ट्रेंड जो है दैट इज कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो बेटा, 3D एलिमेंट जो है, जो ट्रांजिशन सीरीज है, हमने देखा कि चाहे इनके कंपाउंड सॉलिड स्टेट में हो या इनके कंपाउंड एक्वा स्टेट में हो, दे आर ऑलवेज कलर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंपाउंड देखा है स्कूल में भी, CuSO4.5 times water, शो करूं, व्हाट इज दिस कॉल्ड? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पद पेंटाहाइड्रेट। अच्छा ना हुआ क्यों चुना हो? अच्छी ना क्या बोल रहा हूँ? अब तो ना इट इज कॉल्ड एज ब्लू ड्रॉप। खुदाया नीला पानी जो कॉल्ड जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, नहीं इसको सफेद पानी कहते हैं, अनपढ़ चपात वसी स्व दिस व्हाइट विड्रॉल। कहने का मतलब यह है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कलर है, कॉपर शू चूंकि ट्रांसफर एलिमेंट, आई मी करूं यह एग्जांपल कोट वन से तो नजर। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में अगर आप देखो बेटा, तो कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? प्लस टू है ना, क्योंकि सल्फेट शू माइनस टू या इसमें प्लस टू, इसकी वजह से तो वैलेंसी नहीं है, दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी। अगर किसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिमाग में होगा, वर्नर्स थ्योरी के ऊपर में, तो ये प्राइमरी वैलेंसीज भी होती है और सेकेंडरी वैलेंसीज, सेकेंडरी वैलेंसीज की वजह से इसका स्ट्रक्चर आएगा वो अलग बात, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी की वजह से इसका ऑक्सीजन स्टेट आएगा, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट प्लस टू। क्या है प्लस टू होने का मतलब? ये देखिए, कॉपर जो था वो कुछ ऐसे था, 3D10 4S1, सॉरी 3D, यही कंपाउंड एटॉमिक नंबर 29 है, अर्धा थे काकस गए 29 आगे ना। लेकिन अगर आप स्नैप नॉर्मल कॉन्फिगरेशन अगर आप इसमें देखें तो कॉपर जो है इट इज टू पॉजिटिव, टू पॉजिटिव होने की वजह से ये बन गया 3D9 4S0। तो ये 3D9 आप देखो यहां पर थे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर, यहां पर आ गया ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमें समझ आ गया कि भाई कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में ये कलर जो है इट इज बिकॉज ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में है। इस पर चार है पियर, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है अनपियर। अच्छा, दिस अनपियर इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, मगर इवन वही कलर कार छो आसान। जब अपने स्कूल में बनाया ना क्लास टेंथ में, पता होता है मोम जम लिफाफस में, जब ये बना तब ये बड़ा क्रिस्टलाइन फॉर्म में था और इसका कलर था, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ब्लू कलर नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा वो भी कह रहा हूं। दरअसल उसे आग वाटर क्रिस्टलाइजेशन ये सारा एवेपोरेट हो जाता है, आग में रूदी आग उस असली क्या था करना सो सत कलर आना, मगर था कलर फिर इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब ये पानी नहीं रहता है इसमें कलर भी छूट जाता है और ये सफेद हो जाता है वापस, समझ उतर। सो हमें समझ आ गया कि भाई दरअसल इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर है, और ये कलर जो है ये इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा होगा, या इसी एब्जॉर्ब कराना एनर्जी, ऐसी ट्रांजिशन हवन, ट्रांजिशन की वजह से अपर एनर्जी लेवल्स, फिर जब वापस घर वापसी आएगी तो ये री रेडिएट करेगा वो एनर्जी जो इसने रिसीव की थी। ठीक है, और आप देखिए आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री सब कुछ चीजें चलती है, ये एब्जॉर्ब करता है कौन सा कलर, रेड, लेकिन रेडिएट कौन सा कलर करता है, ब्लू, ब्लू विड्रॉ। ठीक है क्या, तो इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसके बाद ट्रांजिशन दिखाया होगा, और ट्रांजिशन दिखाने के बाद शाबाश ये जो कलर करान रेडी एनर्जी करान रेडी विच फॉल्स इन द विजिबल रेंज ऑफ ब्लू, तो हम बोलते हैं ये जो ब्लू कलर। ठीक है, मगर सवाल चीज है ये किस का जो पॉसिबल कि ये जो ट्रांजिशन करा, और ये किन शेल्स के दरमियान ट्रांजिशन होता है। ठीक है कि नहीं, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक शख्स आ गया जिसका नाम था
हैंड्स ब्रेथ क्या उसना हैंड्स ब्रेथ हैंड्स ब्रेथ ने 1935 में एक थ्योरी दी विच इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी छड़ी ये शख्स बीच पे बैठा था अपनी बीवी के साथ टिप्पण ने मिसेज वोनेन से पता ना इसकी मिसेज ने इसको कहा कि ये देखो सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है रिफ्लेक्शन मुझसे आपस पर कितना जबरदस्त है एम शख्स ने दोनों से पता कि कलर क्या इशू आता आमुद ना तो तेरे मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने बोल चुस भाई तो मगर बात किस्मती पानी मन में पाग नंबर बुझ हैंड्स बेड से कहीं मार में कैसी बड़ी ऐसा ना हमने ऐसे हो आपे 1935 इसने क्या कहा समझना मेरी बात इसने जो कहा वो मैं बाद में कहता हूँ पहले मैं कुछ अलग चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपने क्वाड्रेशन कंपाउंड्स में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी पढ़े और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी पढ़े पढ़े ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लाइगेंड्स अटैक करते हैं छह क्या कर रहा ऑक्टाहेड्रल मेटल यूज हुआ सा मेटल एन पॉजिटिव इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं छह लाइगेंड्स कितने लाइगेंड्स छह लाइगेंड्स ही पढ़े स्क्वायर बाय पिरामिड चार लाइगेंड ये पढ़ा है ना आपने सबने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर और पिरामिड की बात करें तो एक लाइगेंड इस स्क्वायर प्लेन के ऊपर और एक तो ये कुछ इस तरह से अटैक यहां से और ये वाला अटैक इस तरह से चलिए ईशा की इस पर ठीक स्क्वायर इस पर स्क्वायर बच्चों आप किधर होना पिरामिड वाटर इसके बाद भी लोन पेयर है लेकिन इसे न्यूट्रल है NO पॉजिटिव व्हाट इज दिस नाइट्रोसोनियम ये मगर कैटायनिक लाइगेंड ठीक है ये डोनेट करा क्लियर अब समझता मैं क्या कहने जा रहा इन सब के पास लोन पेयर है ये देना चाहते हैं लेकिन लोन पेयर पकड़ेगा वो जिसके पास जगह होगी जगह किनके पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास इनके डी खाली होता है चासन पार्थी फेटी कुछ गसान कैश लाइगेंड्स ने जब आ गए लाइगेंड्स कुछ अपस्क्वायर बाय पिरामिड है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है ये को स्क्वायर ये को हेलियम पिरामिड यस और ये नीचे वाला पिरामिड ये इधर से इधर और ये इधर यही है ना अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस डालने की कोशिश करूं कॉस एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस बने इधर पर ये गए वाई एक्सिस ये गए एक्स एक्सिस तो ये गए Z एक्सिस है ना कुछ कितने ना ऐसे ऐसे है ना ये अगर ये गए एक्स तो अच्छा वो आया सम परपेंडिकुलर तो जेड से ना तो परपेंडिकुलर सो तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है तो आप देख रहे हो इन ही एक्सिस पे ये लाइगेंड्स लाई कर रहे हैं अच्छा इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो मैं बना रहा हूं ना ये कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये पूछा लाइगेंड्स इन ही एक्सिस पे लाई करते हैं जेड यहां से भी हो सकता है तो एक्सिस ये भी है ठीक है दिस एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस ठीक है ना और इन ही एक्सिस पे आप देखोगे लाइगेंड्स उसी पे लाई कर रहे होते हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ठीक इस वक्त आए थे छह लाइगेंड्स ठीक लेकिन अगर आप देखोगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे सुना जा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसा स्ट्रक्चर होता है शाबाश एम एन पॉजिटिव नहीं है आगे बढ़ा था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शाबाश से फॉर एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल की शेप बनानी हो तो आप क्यूब एक बनाए करें ठीक है ठीक है सेंटर मेटल एटम को बीच में रखें ठीक है और फिर आपके लाइगेंड्स आ जाएंगे ये इधर ये इधर ये इधर और ये इधर अच्छा ठीक टेट्राहेड्रल्स में इस पर ये ऊपर और ये इसके इधर
समझ गए ना, एक ऊपर होता है बाकी, तो ये इसी पर ज्योमेट्री है कि पुट इस बराबर, ये ऊपर से कोऑर्डिनेट पॉइंट देगा, इधर से देगा, ये इधर से देगा और ये, ठीक है ना। और अगर आप यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस डालने की कोशिश करें वो कैसे आएगी, इसके इसके तो बेन है ब्या परपेंडिकुलर, क्या उस पे तो जो साइज अंदर की मतलब उस पे कोई भी लाइगन नहीं होगा, मत होगा बाप कौन बा है अंदर की नहीं और इसके, ठीक है। सो ओवरऑल आप देख रहे हो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लाइगेंड्स होते हैं दे आर लाइंग बिटवीन द एक्सिस, समझ रहे हो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड्स जो होते हैं दे आर लाइंग ऑन द एक्सिस, यानी कि जो शल लाइगेंड आसन अटैक करा सेंट्रल मेटल एटमस तिम से हमेशा सा एक्सिस की, मगर अगर हमें चोरे अटैक करन, चार ही है ना, एक दो तीन और चार, ये चार अटैक कर रहे हैं लेकिन दे आर अटैकिंग कहां से, बिटवीन द एक्सिस, समझ गए। हमने देखा कि डी ऑर्बिटल्स की शेप कुछ ऐसे होती है कि जब आज डी एक्स वाई हाँ डी वाई जेड डी एक्स जेड बेकैश डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर है ना, इनमें से ये तीन जो है ये कहां पे होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। सब की शेप कुछ ऐसे होती है, अगर इसे एक्स एक्सिस इसे वाई एक्सिस तेरे ऐसी एक्स वाई ऐसे लिखी थी होता है कि नहीं, अगर y z होगा तो ये y और ये z एक्सिस इसे कहना है बेस होती है z x वो भी ऐसे ही होगा, और मगर ये जो है dx स्क्वायर y स्क्वायर और d तो ऐसे पता है इसका शेप कैसा होता है, इसका इसका x एक्सिस पे भी होता है और y एक्सिस पे भी होता है, दिस इज x एंड y, ठीक। z z स्क्वायर शाबाश, इफ दिस इज द z एक्सिस कैसे ऐसा इसके विद अ क्लाउड इसके रिंग एक होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये दो जो है ये एक्सिस पे लाई करते हैं और ये तीन जो है ये कहां पे लाई करते हैं, बिटवीन द एक्सिस, क्लियर। अच्छा ये तो काम। अब हेंसबेथ ने क्या कहा, हेंसबेथ ने कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है और जो ये लाइगंड होता है इसमें अटैक करने शुरू किया, दे आर एक्टिंग एज पॉइंट चार्जेस, कैच कराइंग मैट, और पॉइंट चार्जेस होने की वजह से जो इनके दरमियान इंटरेक्शन होगी वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक की नेचर होती है, ठीक है। जैसे रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आई विल बी कैलकुलेटेड, अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मुझे बताओ सेंट्रल मेटल आइटम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, लाइगन, ये क्या एम्स क्या शाम था, ये भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो ऑब्वियस ही बात है देर वहां क्या होगी, रिपल्शन होगी ना। इसने कहा कि सेंट्रल मेटल एटम्स व्हाट हैपेंस, जो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स है इनको इफेक्ट दे गेट मॉडिफाइड देयर एनर्जी लेवल्स गेट मॉडिफाइड, ठीक है। मामान तो ये पान है रिपल्शन का मतलब क्या है, स्टेबल होना कि नहीं स्टेबल होना, नहीं स्टेबल होना, दिस इज इनस्टेबिलिटी। अगर अनस्टेबल चुका चीज तो हमेशा एनर्जी ज्यादा किन कम, ज्यादा, तो देयरफॉर अगर डी ऑर्बिटल्स पहले ऐसे थे उन सब डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या थी, सेम लाइगन वाइगन में उसकी, मगर ये लाइगन इवन नजदीकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड देने खुद इवन ऑर्बिटल में कैसे एनर्जी मॉडिफाई। मगर याद जो लाइगन का जो फील्ड है जिस जो जो फील्ड इन ऑर्बिटल्स को इफेक्ट करने की क्षमता रखता है दैट इज नॉन स्फेरिकल इन नेचर, यानी कि सूक्ष्म सिमेट्रिक आसान, मगर फॉर आवर पर्पस वी विल बी कंसीडर दैट एज स्फेरिकल फील्ड, ठीक है। अब स्फेरिकल फील्ड में क्या होगा, सब ऑर्बिटल्स को मॉडिफिकेशन सेम तरीके से हो जाएगी, नॉन स्फेरिकल में मॉडिफिकेशन सेम नहीं होती लेकिन एनर्जी सबकी बढ़ जाती, किसी की ज्यादा बढ़ जाती किसी की कम बढ़ जाती, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अब जब लाइगंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आ गए व्हाट हैपेंस, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और एनर्जी कुछ ऐसे बढ़ जाती है कि अगर वो ये समझ आ गया ना आपको, ये या कोई पात इक्वट है लिखाऊंगा मैं अलग से सारा और समझ लो सिर्फ, डी ऑर्बिटल्स जो थे वो कुछ ऐसे थे पहले एक दो तीन चार और पांच, ठीक है ना, वैसा दे वर डी जनरेटेड, ठीक है। इन सब की एनर्जी लेवल्स क्या थी, लेकिन बेटा जब लाइगंड आ गया हेंसबेथ कहता है कि इनके लाइगंड के और इनके मेटल सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान हो गया रिपल्शंस, रिपल्शंस की वजह से एनर्जी बढ़ गई लेकिन ये एनर्जी बढ़ने के बाद भी सब के सब ऑर्बिटल्स अभी भी क्या है डीजनरेट, मगर देयर एनर्जी इज एलिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ शाबाश स्फेरिकल फील्ड ऑफ लाइगंड,
अगर मैं यहां पे नॉन स्फेरिकल लिखूंगा तब वेरिएशन आ जाएगा, मतलब ये ज्यादा होगा ये कम होगा, लेकिन सबकी ज्यादा ही होगी। अब मैं सेम लाइन पे लिख रहा हूं तो मैंने क्या लिखा, स्फेरिकल। इट इज फॉर आर पर्पस कि गेस साहब मैं अच्छी मुश्किल स्फेरिकल फील्ड ऑफ लाइगेंड तो इथेटो इज लिखित नॉन स्फेरिकल मगर ब्रैकेट में लिखे फॉर डायग्राम पर्पस इट इज कंसीडर्ड टू बी स्फेरिकल। ठीक है, अब है ना एनर्जी इतनी, लेकिन लाइगेंड रुकता नहीं है, ये बॉन्ड बॉन्ड तब आता है जब नजदीकियां बढ़ जाती है, है ना। तो होता क्या है, लाइगेंड शुड फर्दर अप्रोच करना टुवर्ड्स द सेंट्रल मिडलेट। ठीक है, जब रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हमने ये देखा कि बेटा इस एनर्जी लेवल को क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग। क्या लिख सकते हैं, एक लेवल को बोलते हैं हम टी टू जी और एक लेवल को हम बोलते हैं ई जी। ये कब होता है, जब याद रखोगे आप स्प्लिटिंग से कसान दो तरीकों, या तो हो जाएंगे अगर छह लाइगेंड्स आएंगे, ठीक, या स्प्लिटिंग हो जाएगी जब कितने लाइगेंड्स आएंगे, चार लाइगेंड्स आएंगे। अगर छह लाइगेंड्स आएंगे तो बनेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर चार लाइगेंड्स आएंगे तो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। समझ गया ना, जब छह लाइगेंड्स आ गए तब क्या होता है, छह लाइगेंड्स किस तरह से आते हैं अलोंग द एक्सिस। अब मुझे खुद बताओ एक्सिस पे कौन से ऑर्बिटल्स इसको मिलेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर। एक्सिस पे इसको अप्रोच जब ये कर रहा है इसको दो ही ऑर्बिटल्स वहां मिल रहे हैं, बाकी तीछे विसिनिटी मंस, मगर तिमन सुचुने डायरेक्ट अप्रोच, रिपल्शन ज्यादा किसके साथ होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के साथ होगा। तिरवानता में आग का तिरंग एनर्जी वायरस ज्यादा इंक्रीज होगी कि नहीं, देयरफॉर हम ये देखते हैं कि स्प्लिटिंग इस तरह से होती है कि वो दो ऊपर चले जाते हैं, मगर बुचुस हवाओं के कम दस लाइगेंड आए। मैंने चार वाला केस नहीं लिया, मैं छह वाला केस ले रहा हूं, जब छह आएंगे तो मुझे समझ आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर जो है ये चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि इनमें डायरेक्ट अप्रोच लाइगेंड शिवा एक्सिस की नहीं, और इनकी शेप भी एक्सिस पे ये होते हैं, तो एक्सिस और एक्सिस नजदीक में ऑन डायरेक्ट कोलिजन ऑब्वियसली देयर विल बी ह्यूज रिपल्शन एंड एनर्जी इन्हीं की बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये बाकी लाइगेंड्स थे डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड मच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो एनर्जी गेन हुई कि बड़ी, जब कोई लूज करेगा हमने देखा वो तीन जो है वो एनर्जी क्या कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ हाँ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। ठीक है, इस लोअर एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं टी टू जी लेवल, और ऊपर वाली लेवल को क्या बोलते हैं ई जी। नाउ दिस जी इज यूज बिकॉज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैव सिमेट्री, टेट्राहेड्रल में जब मैं इन्हीं लेवल्स को लिखूंगा तब मैं इनको अकेला लिखूंगा, टी टू को भी क्या लिखूंगा अकेला लिखूंगा। ठीक है, समझ जमीन का इन दो लेवल्स के दरमियान एनर्जी गैप आ गई, आ गई कि नहीं। दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। क्या सुना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू शाबाश कोई बताएगा, 10 डी क्यू, डी क्यू इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल हीट। क्या सुना, डिफरेंशियल। ठीक है, अच्छा एक लाइन होती है यहां पर होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, होगी एक लाइन होती है जो दरमियानी लाइन है जहां का एनर्जी वैल्यू क्या हो जाता है जीरो, सो क्या दैट लाइन इज कॉल्ड एज शाबाश बैरिसेंटर। कैसे होना, ठीक है, पूछो इस लेवल से ऊपर की तरफ एनर्जी गेन हो गई ना, छह डी क्यू ऊपर की तरफ चला जाता है और चार डी क्यू नीचे की तरफ चला, ओवरऑल कितना है 10 डी क्यू। समझ गए, मैं पूछते ही कि फर्स्ट एनर्जी ऑफ जीरो लेवल, इसमें यहां देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं टोटल में, चार, ऊपर कितनी एनर्जी गेन हो गई 6 डी क्यू, तो 6 into 4 कितना 24। ठीक है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे, लेकिन एनर्जी यहां की तरफ क्या होगी, ये अगर जीरो है ऊपर की तरफ 6 गेन हुआ, नीचे की तरफ -4 लॉस हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल यहां पे आएगा -4 into कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना -24 प्लस 24, इफेक्टिवली दिस लाइन इज कॉल्ड एज बैरिसेंटर। ठीक है, सेपरेट कराएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं क्या इसको यहां हूं वन चू मास, इतना इलेक्ट्रॉन इन तीन इलेक्ट्रॉन्स, आप उनको कहां पर बिठाने की कोशिश करोगे, नीचे जिनकी एनर्जी लेवल्स कम है, सिबेनाओगने तो मेरी इसके 1, 2 और 3। ठीक है, लेकिन बेटा जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा सुगोल बच्चे
शाबाश। जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा हाँ तब क्या होगा? समझ लो, दो चीजें हो सकती है सनम तेरे इंतजार, या तो मेरा प्यार झूठा है या तो तेरा दिमाग खराब है। सही नजर क्या केस हुआ ना? दो तरीके हो सकते हैं चौथे इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो बैठेंगे इसी में T2G3। जब चौथा आएगा दो चीजें हो सकती है, या तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसी में बैठेगा हाँ हेर कंफ्यूजन क्यों हुई अच्छा, या इधर पे तीन ही बैठेंगे और ये चौथा जो है बोलेगा पखा से और समझी तरह। ये कार कैसे की है? जब ये वाली एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा होगी, गैप से ना वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेहतर बंद करी यूता एनर्जी हेकन बनितर समझ तरह। इसका मतलब स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी किस एनर्जी से? पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग इसने बर्दाश्त कर लिया, अदरवाइज पेयरिंग से रिपल्शन तो बेहतर है रिपल्शन ही करूं तेज होना है खसे समझी तरह। इस वाले केस में क्या होगा फिर? इसमें पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी किससे? इसने बोला यार पेयरिंग वजह से रिपल्शन तूफान एक बेहतर छो बखसे हो रही समझी तरह। तो ये गैप डिटरमाइन कर रहे हैं कि क्या आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। इस चौथे इलेक्ट्रॉन की वजह से ट्रांजिशन हो रहा है या ऊपर या नीचे। सोडियम इलेक्ट्रॉन यूज रेस्पॉन्सिबल छो हेर बोन करना चाह ट्रांजिशन यही की द्वारा कलर भी इसी चौथे इलेक्ट्रॉन की वजह से थावानी तापस मन एम कर एनर्जी गेन यह स्टेट मन एम तो बह गेन कर मैं एनर्जी खजी हो होता कुछ टाइम के बाद एनर्जी इसको लॉस कर रही है लॉस करके जब रेडिएट करेगा आ जाएगा विजिबल रेंज में आ गया कलर समझ गए। मगर ये कलर से तेली येल से क्या सी गॉट स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग से तेली येल से क्या सी लाइगेंड्स समझ रहे हो। इसीलिए मैंने कहा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्राइड में कलर पहले होता है क्योंकि पानी तब होता है अब जी चलता तीर पदमंग स्प्लिटिंग कलर से की तो वो समझ ठीक है। अच्छा ब्याह चीज वन सर यह कर गार गर वन स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा गैप ज्यादा क्या बेटा ठीक खतरनाक लागन दिन कस कस लागन खतरनाक शबाश साइनाइड खतरनाक कार्बन मोनोक्साइड खतरनाक अमोनिया खतरनाक लागन ये लागन अगर आ गए तो ये गैप बहुत ज्यादा हो जाती ठीक है। बेहतर इलेक्ट्रॉन क्या कर बार बनकर बना खस वह वन तुम अखर ये भी बनकर ब्यूटी। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या सुना ठीक है मैं मानता आपका ये भी बन गई भी तेरे से पेयरिंग मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा कि कम होगा? कम हो जाएगा ना क्योंकि पेयरिंग हो गई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू होता है केमिस्ट्री है नंबर ऑफ अनपेयर्ड होना एन तो खुद ही बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड कम हो रहा है ना स्पिन ज्यादा होगा कि कम spin कम होगा therefore these inner orbital complexes remember they are always low spin complexes समझ गए कि नहीं? मैं इंतजार हूँ नजर ये क्या दे pairing energy वाले जाल वो बेहतर चुप खसे हो रही एम कुछ orbital को इस्तेमाल ले रही हो ये चुप तेरे बीच बैठना चुरी यहाँ बैठेगा ना this is called as outer orbital complex समझ गए कि नहीं? outer orbital complex में आप खुद बताओ unpaired electrons बढ़ गए कि घट गए? बढ़ गए इनका स्पिन कम होगा कि ज्यादा देयर विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस समझ गए कि नहीं? ये पे हम खुद खतरे बन इक्वल लगे कोऑर्डिनेशन तो बकार केमिस्ट पे इतनी हो गई मगर मैं उस आज खतरे करूं कि मिशन याद खतरे माना जो कलर छू क्या है ये मैंने बताया छह लाइगेंस आगे स्प्लिटिंग हो गई कुछ ऊपर चले गए कुछ नीचे अभी इलेक्ट्रॉन यू दर बदर इलेक्ट्रॉन यो हो चुका ना कलर तो क्या ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस विद इन द डी ऑर्बिटल्स इंट्रा डी ट्रांजिशन चला डी डी ट्रांजिशन क्या डी डी ट्रांजिशन डी और डी के दरमियान ट्रांजिशन है ना चली कास बहन वाल की ने डी 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 एच हेवी ये तो डी जनरेट बट बेटा इट इज द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रो एना ये लाइगन जो मॉडिफाई करता है इनकी एनर्जी को स्प्लिटिंग समझ गए ठीक है। ये कार की का इक्वल लाइगन कर में सिलेक्ट 6 है जब आप 4 लाइगन चाहेंगे तब कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। 4 लाइगन कहां से आते हैं टेट्राहेड्रल में अभी मैंने बिटवीन द एक्सिस उसको कौन सा ऑर्बिटल मिलेगा
उसको ये तीन मत मिलेंगे, सॉरी यही तीन मिलेंगे, ये दो तो नहीं मिलेंगे, माइनस ठीक है। ये माय थ्री ऑर्बिटल से बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट तिल क्यों एनर्जी का ज्यादा, तब इन्हीं की एनर्जी ज्यादा हुई, ये ऊपर वो नीचे, समझी तरह क्लियर छा बाहर से योग थोड़ा सा पहले टेट्राहेड्रल के बाद क्या होगा, ये होगा ऐसे पदगति एनर्जी इंक्रीज पदगति स्प्लिटिंग वैसा, लेकिन स्प्लिटिंग में ऐसे होगा कि ऊपर चले जाएंगे तीन और नीचे रहेंगे दो, ऊपर तीन इसलिए होंगे क्योंकि यमाई त्रिशिप बिटवीन द एक्सिस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड्स बिटवीन द एक्सिस ही होते, इसीलिए मैंने पहले वो प्रीरिक्विजिट दिखा दी, क्या समझ होता ना। मगर तेल में वनक या लेवल क्या बनाते हैं इसे टी टू लेवल, और इसको क्या बोलोगे जी हम इस्तेमाल, क्योंकि जी इज ऑनली वैलिड व्हेन देयर इज सिमेट्री एंड सिमेट्री इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर जी इज नॉट यूज्ड, क्लियर वेआकत दैमकत। अब ये गैप जो होगी यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी समान में अगले हिस्से को या शायद ज्यादा एज कंपेयर टू दिस कि इससे कम हो, क्यों कम क्यों होगी, ना 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 एग्जैक्टली रिपल्शन से कम सोरे लाइगेंड आए ना, क्या होने का शब आएगा तुम अगर अजब सेंट्रल मेटल एटम्स होंगे सोरे, समझी तरह फिर मैं कुछ गैप ज्यादा क्रिएट, जब गैप ज्यादा क्रिएट नहीं होगी इनमें से कौन सा केस फेवरेबल हमेशा है, शाबाश ये वाला दूसरा पहला वाला कैसे गैप तो कम है, नहीं इधर से पहला हमें तारने के लिए कम है, हम खराब था क्या समझो था ना, क्या सुना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनेगा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेफर हमेशा करेगा कि मगर छोरी ठीक है जी गैप ये ना ज्यादा, और चूंकि ये काम होती है देयरफॉर वी आर ऑलवेज सीइंग दैट थर्मोडायनेमिकली और एनर्जेटिकली इट इज नॉट फेवरेबल दैट एन इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, देयरफॉर जो भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अभी तक देखे गए दे आर ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल एंड हाई स्पिन, आज तक लो स्पिन कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं, समझ होता है। सो कलर थ्रू में समझ के आज इसका सा, सो प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मस्ट, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, हाँ एटॉमिक नंबर 21 इट ही त्रेदी अलग ना अर्ध है, सो कौन ऑर्गन कॉन्फ़िगरेशन क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कलर ही नहीं है, नो कलर, समझ गए, हाँ जिस जिसमें कलर होगा उसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है, एक एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर, फिर जितने ज्यादा होंगे कलर उनसे भी इंटेंस हो जाएगा, ठीक है। मगर तो ऐसा पता कंपाउंड छो जो कंपाउंड चला था आप के मेन ओ फोर बे आप के टू सी आर टू ओ सेवन, ठीक है, इसका कलर क्या होता है, इसका डार्क ऑरेंज, ठीक है, नजर अस क्या कलर कर अनपेड इलेक्ट्रॉन पाव से पक्सप्लेन कलर तेल अनपेड इलेक्ट्रॉन ठीक पुरान डे डी ट्रांजिशन झुन बल मे वन कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट उसकी ऑक्सीजन स्टेट जरा देखो इसमें क्या है, कोई बताएगा शाबाश क्या है, प्लस सेवन कर वो ये एक्सप्लेन देन आई विल स्टॉप, प्लस सेवन है मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या है 25 इसी प्लस 7 करी ये बने पर 3d0 4s0 क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक गुस्तावन भी होता है कवर ऑफ कलर चुना, क्रोमियम किस स्टेट में, यहां पे प्लस 6 क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, 6 निकालो उसमें से 18 नोबल गैस कॉन्फिगरेशन 3d0 4s0 कोई अनपेयर्ड है फिर भी कलर है ना जल्द, सो रिमेंबर प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर कलर, हाँ इट इज अ नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर कलर बट इट इज नॉट द, देर आर एलिमेंट देर आर स्पीशीज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं फिर भी कलर, यहां पर नहीं था अनपेयर्ड यहां पर कलर भी नहीं था, हाँ यहां पर अनपेयर्ड नहीं है कलर, उसकी वजह क्या है, द रीजन फॉर दैट इज
द रीजन फॉर दैट इज, तो कह ये कॉपी आपने किया रीजन फॉर दैट इज चार्ज ट्रांसफर कैश آدت یہ ہمیشہ لوکن لوٹان میون الیکٹران یوز الیکٹران رٹم مگر اتنا آکسیجن آکسیجن پانا گا مشورہ دپان ہے تلا دون سیکنڈ خطرہ تی الیکٹران تر واپس یہ چارج گو ٹھنڈ پان یہ چھ مشورہ کر دپان ہے تیل ثنوانی کرن سہ بہ کمزور تھی چھ طاقتور آکسیجن ماں مان پان گو ثنوانی بور کیا الیکٹران فار اے مومنٹ لوز کر کیا لوز کرنے کا مطلب یہ بن جاتا ہے آکسیجن نیگیٹو اور ایک الیکٹران کیا آ جاتا ہے باہر سمجھنا میری بات خبر کیا چھ مینگنیز ہاں سیون پازیٹو امس تاون پہ امس سورے کی دوت مت چھنا بچار بت بت یہ یتھے یہ امس الیکٹرانس وچ امس نا سات دت مت سات ہن دت مت یتھے یہ الیکٹران مومنٹ کے لیے باہر نکلا ہے الیکٹران سمجھنا میری بات چھ ونا یہ الیکٹران درو یہ امی ویز اتھ الیکٹرانس ونان دون سیکنڈن یوز یہ کیا بنے مینگنیز سمجھ گئے نا یہ تھا سیون پازیٹو ایک سیکنڈ کے لیے اس آکسیجن نے الیکٹران کھویا اور اسی مومنٹ کے لیے اس مینگنیز نے وہ الیکٹران افیکٹولی مینگنیز کیا بن گیا سکس پازیٹو اور جب مینگنیز سکس پازیٹو ہوگا ڈی میں ایک الیکٹران آ جائے گا کیونکہ اچھا آخ الیکٹران پہ رٹو چونکہ تھری ڈی ون فور ایس زیرو ڈی میں آ گیا ایک انپیئرڈ الیکٹران مومنٹریلی مگر بیٹا چار آکسیجن ہے ہر کسی کو وہ رہے گی اور ہر کوئی کچھ ٹائم کے لیے دکھائے گا اور پھر یہ سائیکل چلتا رہے گا افیکٹولی کیمن فورس ہمیشہ کا سمجھ گئے دس ریزن از کالڈ ایز سمجھدار تھے فکر بات ہے تھینک یو سو مچ آئی ول اسٹاپ بات ہو گئی چلو کرو لائک یو آر اسٹاپ بایولوجی پہ کیوں تو یہ بت بت دیوان بھی کیا یہ سارا ہے کیا لائک اس کا تھا اسٹاپ لگو بوز یہ کا تھا چھین بوز نام